मैम साहब टच क्यों कर रहा है मेरे को? पागल है? दिखाई नहीं दे रहा, सारी ड्रेस गंदी कर दी। नहीं मैम साहब, वो मैंने पीछे से 2-3 बार आवाज लगाई, वो आपने सुनाई नहीं दी। तो आवाज लगाई तो नौकर थोड़ी हूँ तेरी मैं, कोई प्रॉब्लम में तो थाने में आना। नहीं बेटा, वो ऐसा था कि मैं क्या बेटा बेटा लगा रखा है, अपनी औकात में रह के बात कर, समझ में आई? नहीं वो मैम साहब, ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी औकात बोल गया था। वो मैम साहब एक छोटा सा काम था। क्या काम है? मैम साहब मैं यहाँ गली और मोहल्ले में से पैसे इकट्ठे करके हर महीने घर बेचता हूँ। हाँ तो फिर? वो मैम साहब जैसे मैं दुकानों पे जाके घर पैसे बेचता हूँ तो वो लोग 100 या 200 रुपए काट लेते हैं, और आपके पास तो वो फ़ोन होगा ना जो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में पैसे भेजते हैं, तो उसमें मेरे पैसे नहीं कटेंगे मैम साहब। अगर आप अपने फ़ोन से पैसे भेज दो तो वो क्या बोलते हैं, गूगल होता है। क्या पल पल लगा रखा है, पहले तो बोलना सीख ले, गूगल पे होता है वो। आगे बोल, क्या काम है तेरा? वो मैम साहब अगर आप अपने फ़ोन से पैसे भेज देते तो मेरी घरवाली दवाई ले लेती, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। और ये 2000 रुपये हैं मैम, आप अपने फ़ोन से पैसे भेज दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाला अकाउंट नंबर दे। ये है अकाउंट नंबर मैम। बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो, और मेरे 200 रुपये भी बच जाएंगे, और भगवान आपका भला करे। अभी प्रोसेसिंग चल रही है, वैसे ऑलमोस्ट डल चुके हैं, देख चेक कर ले। अरे मैम साहब इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं खुद ही भेज लेता। कोई नहीं, चला मेरा सर मत खत्म। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू। मैम साहब आएंगे तभी तो बात करूंगा ना, पैसे क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? हम मैं उन्हीं के घर के आगे बैठा हुआ हूँ। हाँ वो ड्यूटी से आएंगे। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं मैम साहब से आके बात करके और फिर मैं बताता हूँ, पहुँच जाएंगे पैसे। हाँ ठीक है, ठीक है। ओए कैसे बैठा है तू यहाँ? अरे मैम साहब आप आ गए। वो बात क्या थी मैम साहब कि घरवाली का फोन आया था और उसने बोला कि पैसे नहीं पहुँचे हैं, तो मैं आपके इंतज़ार में बैठा हुआ था मैम साहब। पैसे नहीं पहुँचे मतलब? वो आपने सुबह ट्रांसफ़र किए थे ना मैम साहब। सुबह तुझे दिखा के ट्रांसफ़र किए थे ना, दिखाया था ना तेरे को मैंने? जी मैम साहब। भाई मेरे फ़ोन से पैसे कट चुके हैं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं अब, ठीक है? मैम साहब एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेते एक बार, क्योंकि पैसे पहुँचे नहीं है मैम साहब। मेरे फ़ोन से पैसे कट चुके हैं ठीक है, क्या पता तुम्हारे अकाउंट में प्रॉब्लम हो, बैंक में जाके पता करो। वो मैम साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो अब बैंक में जाके क्या बात करूँ क्या नहीं, आप ही देख लेते एक बार, आप पूछ लेते मैम साहब। अच्छा अब यही काम रह गया मुझे, इसी बात के लिए चक्कर काटती फिरूं? तेरे को सुबह दिखाया था ना मेरे फोन से पैसे कट चुके हैं, अब मैं इस बात की ठेकेदार नहीं हूँ ठीक है, जाके पता कर मैम साहब। दफा हो जाए यहाँ से, ना दे दूंगी तेरे को पैसे। पैसे नहीं पहुँचे, पैसे नहीं पहुँचे मैम साहब। दफा हो ले। अब क्या करूं, किससे पूछूं मैं, ऐसा तो पहुंचा नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मैडम बोल रही है कि मेरे खाते से पैसा कट गया, तो बोल रही है बैंक में जाके पता करो, अपने अकाउंट में पता करो, अब मैं कहाँ जाके पता करूं? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो किसी पड़ोसी से पैसे लेके दवाई तो ले आओ, पता नहीं पैसा तो कब आएगा कब नहीं। नहीं मेरी हिम्मत नहीं है अब उससे दोबारा फोन पे बात करने की, कैसे पूछूं? ठीक है तुम ले लो दवाई बूटी। क्या कितनी लापरवाही करते हो तुम, कहाँ गिरा है? अरे यही कहीं गिरा है यार, मेरा फोन आया था,
मुझे ध्यान है, तब तक मेरे पास था मेरा पर्स। फिर अब कहाँ चला गया? यही कहीं गिरा है। कुछ भी याद है कहाँ गिराया था? पता नहीं यार। इधर देखो आप। यहाँ भी नहीं है यार, पता नहीं कहाँ चला गया यार। यार सारे डॉक्यूमेंट्स उसी के अंदर थे यार। तो क्यों गिराया फिर वो? मेरा जान पूछ के गिराया है। ढूंढ लो जूता। मम्मा क्या हो गया? अरे कुछ नहीं बेटा। अरे बेटा पर्स गुम गया मेरा, यही कहीं गुम गया। और पर्स गुम कर दिया? हाँ। क्या करते हो यार आप लोग? बेटा देखो ना आपके पापा कितने लापरवाह है, पर्स भी संभाल के नहीं रह सकते। अरे बेटा मेरा फोन आया था, मैंने फोन अटेंड किया था, मैं यहाँ खड़ा था, शायद फोन निकालते हुए पर्स निकल के गिर गया। चलो आ जाओ ढूंढते हैं हम मिलके। ढूंढो यार, ढूंढना तो पड़े। अरे भाई साहब, मैम साहब क्या हुआ? अरे भाई साहब मेरा पर्स गिर गया और यही कहीं पे गिरा है, मिल नहीं रहा। पर्स गिर गया जी? अरे भाई साहब ये पर्स तो नहीं है आपका? अरे हाँ, अरे यही तो पर्स है मेरा। अरे कहाँ मिला भाई साहब आपको? वो भाई साहब मैं इधर से झाड़ू लगा रहा था ना सुबह, तो तब मेरे आगे आ गया ये पर्स, फिर मैंने इसको उठा के अपनी जेब में रख लिया। शुक्र है भगवान का ये पर्स आपको मिल गया। भाई साहब आपका धन्यवाद, आपने ये पर्स इनको लौटा दिया, नहीं तो सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मुझे पता है 20 साल से मैंने आपको कैसे संभाल रखा और आपसे ये छोटा सा पर्स नहीं संभाला गया। अरे रुक जाना, कहीं भी शुरू हो जाती है, घर पे तो इज्जत करती नहीं, तू बाहर तो कर लिया कर, देख लिया कर कुछ। अरे भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पर्स दे दिया मेरा। पापा हो रहा है धन्यवाद धन्यवाद, एक बार पर्स चेक कर लो इसमें पूरे पैसे हैं भी या नहीं। अरे ये लोग ऐसे ही होते हैं, क्या पता इसने चोरी कर ली हो तो। 1, 2, 3, 3.5। अरे बिटिया इसमें तो पूरे पैसे हैं, इन्होंने नहीं निकाले। और बिटिया अगर इन्होंने पैसे निकालने होते तो ये पर्स मेरे को वापस क्यों देते? मैम साहब हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमने जितना भी पैसा ज़िंदगी में कमाया है ना, वो मेहनत और ईमानदारी के साथ कमाया है, कभी भी बेईमाना नहीं किया। आप ठीक कह रहे हो भाई साहब, मेहनत और ईमानदारी का पैसा हमेशा ज़िंदगी में सुकून लाता है, और बेईमानी का पैसा ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ नहीं ला सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ठीक है भाई। चले पुष्पा। चले राम राम। बाबा अपना अकाउंट नंबर देना। अकाउंट नंबर वो किस लिए मैम साहब? कल जो आपने वो पैसे ट्रांसफ़र के लिए बोले थे, वो मैंने आपके घर पे पैसे नहीं भेजे थे, क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया था। आज आपकी ईमानदारी ने मेरी आंखें खोल दी। लाओ बाबा अपना अकाउंट नंबर दो मुझे। लो बाबा भेज दिए मैंने पैसे। शुक्रिया मैम साहब। बाबा मैम साहब नहीं, आज के बाद आप मुझे बेटा कह के ही बुलाएंगे। ठीक है बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। बाकी मुझे पता था कि आपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, मैंने आज सुबह ही किसी से उधारी पैसे लेके अपने घर भिजवा दिए थे, भगवान आपको खुश रखे बेटा। बाबा मेरी इस गलती को माफ़ कर देना। खुश रहो।